हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुश्किल ड्राइंग को हम इजी वे से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो पहले हमने उसकी शेप को ध्यान रखना है कि उसका फेस किस शेप में है, रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है या ओवल में है। जैसे हमने ओवल की शेप में हम आज एक फेस बनाएंगे। जब भी हम ड्राइंग करते हैं, पहली बात तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। किसी तरह का ड्राइंग करते समय हमारे बर्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बर्डन होगा तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। और जितना हमारा माइंड फ्रेश होगा और बर्डन नहीं मानेंगे, फ्री हैंड से और फ्री माइंड से हम ड्राइंग करेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी होगी। जैसे हमने फेस बनाना है, पहले इसकी सेंटर लाइन लगाई, फिर उसका हाफ़ किया आइज़ नोज़ के लिए। अब जैसे आइज़ बनानी है, जितना सेंटर से इधर है उतना ही हम आइज़ को बनाएंगे दूसरी साइड भी। और हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो हमें पहले सबसे पहले ड्राइंग को बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ड्राइंग करना चाहिए, हल्की हल्की ड्राइंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको इरेज कर दें। और अगर हम धीरे धीरे फाइनल ड्राइंग कर रहे हैं तो बाय द वे ऐसा हो ना, अगर हो जाए, गलती हो जाए तो हमारा विश्वास टूटता है ड्राइंग में और हमारा उसके अंदर दोबारा से वो रुचि नहीं बन पाती। तो सबसे पहले हमने उसकी एक रफ़ ड्राइंग, रफ़ साचा हम कह सकते हैं या फ्रेम कह सकते हैं, उसको हमने वैसे बनाना चाहिए। और उसके बाद हमने उसके अंदर धीरे 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 हम फाइनल उस करेंगे काम। जैसे हमने आइज़ बनाई, हमने धीरे धीरे पहले इसमें हल्का हल्का किया है और इसको हम बहुत सारा रिफाइन करते करते इसमें लास्ट में इसमें हम फाइनल करेंगे। जैसे आइज़ का ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा डार्क करेंगे हम, नीचे वाले में लाइट करेंगे। ऐसे ही इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक प्रेरणा देता है और एक और नई वीडियो बनाने की ओर हमें मोटिवेट करता है।